SOSC अपने आप में एक डिफाइंड नाम है। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर लाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाई कराएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम कि यहाँ के बच्चे सीधे IIT, IIM और हार्वर्ड से नीचे का तो सपना ना देखें। खाली एक अच्छा स्कूल बनाने का काम नहीं है। अगर आप अपनी स्ट्रीम को लेकर पागल नहीं हुए जा रहे हैं तो SOE का कोई मतलब। स्कूल ऑफ एक्सलेंस पूरे देश के ड्रीम स्कूल बने। बड़ा ड्रीम दे रहा हूँ, छोटा मत छोड़िए, छोटे शब्दों में मत रखिए। SOE क्या है? एक ओवरऑल कंप्लीट स्कूल की डेफिनेशन में क्या आता है? नर्सरी से या छठी से उसमें एडमिशन होगा और साथ साथ उसमें सारे स्ट्रीम्स अवेलेबल होंगे बच्चों को। हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर लाएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाई कराएंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट एग्जाम देंगे, अच्छी लैब लाइब्रेरी बनाएंगे। अभी सरकार इसको चेंज कर रही है। SOE सरकार कर रही है कि अगर स्कूल साइंस का स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है तो वहाँ साइंस का बेस्ट टीचर, बेस्ट लैब, बेस्ट लाइब्रेरी, सारे कॉम्पिटिशन की तैयारी, सारा का सारा साइंस की एक्सेलेंस दी जाएगी। अगर कॉमर्स का है तो कॉमर्स की एक्सेलेंस दी जाएगी। अगर ह्यूमैनिटीज का है तो ह्यूमैनिटीज की एक्सेलेंस दी जाएगी। अब ये सारे सब्जेक्ट, सारे स्ट्रीम्स के स्कूल नहीं होंगे, ये एक स्ट्रीम को पकड़ के उसका एक्सेलेंस बनाने का स्कूल है। अभी तक हमारा अच्छा स्कूल का मतलब था सारे स्ट्रीम को पकड़ के सारे स्ट्रीम्स को अच्छा कराने की कोशिश। स्कूल ऑफ एक्सेलेंस में हमारी कोशिश यह है कि हम एक स्ट्रीम को पकड़ेंगे और एक अच्छे स्कूल से भी और 4 गुना 10 गुना, फिर वो कैसे करेंगे वाला आंसर आ जाता है कि एक स्ट्रीम को पकड़ेंगे और उसमें उस स्ट्रीम को पकड़ के उसमें इतना एक्सलेंट सुविधाएं देंगे, वहां पे इतना एक्सलेंट एजुकेशन का माहौल देंगे, उससे बढ़िया कहीं होगा नहीं। ये हमारी बात तय हमने ये किया है कि ये 9वीं से 12वीं का स्कूल होगा। 8वीं तक बच्चा कोई भी कहीं पढ़ता हो, अगर उसमें उस स्ट्रीम को लेके थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा सा दम कम है तो वो 8वीं में अपना परीक्षा दे, साथ साथ में हमारी परीक्षा दे, 9वीं में आ जाए। 9वीं से उसकी जिम्मेदारी, फिर उसको एक्सेलेंट बनाने की जिम्मेदारी हमारी। उसमें देश की सबसे बढ़िया लैब होगी उस सब्जेक्ट की, वो स्ट्रीम की सबसे बढ़िया पढ़ाई हुई होगी। ये ऐसे स्कूल है तो हमको क्लियर होना चाहिए ना, हमारा स्कूल 21st सेंचुरी का एक्सेलेंस स्कूल है, हमारा स्कूल साइंस का एक्सेलेंस स्कूल है, हमारा स्कूल ह्यूमैनिटीज का एक्सेलेंस है, हमारा कॉमर्स का, हमारा स्पोर्ट्स का। और खासतौर से HOS से मेरी अपेक्षा है कि जिस स्ट्रीम का आपको स्कूल मिला है, आपको अब दुनिया में उस स्ट्रीम में कैसे पढ़ाई हो रही है उसमें डूबना पड़ेगा। मैं आज सुबह सीमा जी के स्कूल की एक बच्ची से मिल के आ रहा हूँ, 98% वाली बच्ची है वो लड़की। इतनी क्लियर है, मुझे लैंग्वेज में जाना है, मुझे अभी कोई एशियन लैंग्वेज में कोई डिप्लोमा डिग्री लेनी है, साथ साथ में 98% आ गए हैं तो उसका ड्रीम अच्छा है कि SRC जाना है। लेकिन क्लियर वाई आई एम इम्प्रेस्ड विद हर कि जी मैंने पिछले 3-4 साल में यूट्यूब पे देख देख के कोरियन सीख ली, नाउ आई एम फ्लुएंट इन कोरियन। SMC मेंबर्स, प्रिंसिपल्स और डिप्टी डायरेक्टर्स लेवल के सारे ऑफिसर्स हमारे और सीनियर ऑफिसर्स, सबसे मेरी अपेक्षा है कि अब आप घुस जाइए। जिसको 21st सेंचुरी स्किल्स मिला है, जिसको साइंस का स्किल एक्सेलेंस मिला है, जिसको स्पोर्ट्स का मिला है, जिसको ह्यूमैनिटीज का मिला है, कि दुनिया में हो क्या रहा है इस सेक्टर में। अगर 9th ग्रेड की बच्ची जिसका लैंग्वेज में इंटरेस्ट है वो यूट्यूब में जाके कोरियन लैंग्वेज में फ्लुएंसी ला सकती है, तो मेरे स्कूल का प्रिंसिपल अपने एक्सेलेंस के सब्जेक्ट में जाके प्रोफिशिएंसी नहीं लाएगा तो ये स्कूल नहीं। यू हैव टू डू इट। हम इतना अच्छा करेंगे उससे काम नहीं चलेगा, हम साइंस में अच्छा करेंगे। और साइंस जिस जिसको प्रिंसिपल को मिला है, घुस जाइए दुनिया में साइंस में क्या अच्छा होगा। देखिए जापान के स्कूल में साइंस कैसे पढ़ाई जा रही है, देखिए फिनलैंड में साइंस कैसे पढ़ाई जा रही है। यूट्यूब है, गूगल है आपके पास में, आपके पास में कॉन्टेक्ट है, आप लोगों को, आपके बहुत सारे लोग दुनिया भर में सिंगापुर में हो गए हैं, देखिए सिंगापुर के स्कूलों में साइंस कैसे पढ़ाई जा रही है। देखिए अमेरिका के स्कूलों में, रशिया के स्कूल में साइंस पढ़ाते हैं तो क्या करते हैं। आपको 9th, 10th, 11th, 12th में दुनिया भर में आपके उस पर्टिकुलर स्ट्रीम में कैसे पढ़ाया जा रहा है, आप हमारे अब असेट होने चाहिए। अगर आप अपनी स्ट्रीम को लेकर पागल नहीं हुए जा रहे हैं तो SOE का कोई मतलब नहीं। भाषा चाहे आप कितनी अच्छी बोल लीजिए, वोकैबुलरी डिक्शनरी आप कितनी अच्छी खोल लीजिए, अगर आप अपनी स्ट्रीम में पागल नहीं हैं तो आप SOE के प्रिंसिपल नहीं हैं। हमको यहाँ बैठ के इस लेवल तक आना पड़ेगा कि हम कह सकें कि हमारे 8 स्कूल साइंस के हैं, स्टेम के हैं, तो ये स्टेम के दुनिया के बेस्ट, देश के बेस्ट माइंड्स हैं, इन्होंने अपना जीवन लगा दिया। अपने टीचर्स को लगा दीजिए, खुद लगी आपके बीच में डिस्कशन होना चाहिए। MBA तब बनेगा, MBA या डायरेक्टर से दी गई फैसिलिटी से नहीं बनने वाला, ये उसका आधार बन सकती है, उसके बिना प्रॉब्लम हो सकती है आपको, लेकिन MBA तब बनेगा जब आप पागलों की तरह अपनी स्ट्रीम पे, उसके सब्जेक्ट्स पे, उसकी मेथडोलॉजीज पे लगेंगे, तब बनेगा।
और वो तब बनेगा जब आपके मन में ये क्लियर होगा कि अभी तक हम सारी स्ट्रीम्स के प्रिंसिपल होते थे, अब हम केवल स्टेम के या ह्यूमैनिटीज के या एक्स या वाई जेड के प्रिंसिपल, और उसमें आपको डूबना पड़ेगा। अगर आप नहीं डूबे यू किल द आइडिया, इस आइडिया को यहीं किल कर देंगे अगर आप अपने स्ट्रीम में नहीं डूबेंगे। ये खाली एक अच्छा स्कूल बनाने का काम नहीं है, आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने अच्छे स्कूल का बेंचमार्क क्रॉस कर दिया, सारी स्ट्रीम्स के स्कूल आपने अच्छे चला के दिखा दिए, दैट्स व्हाई यू आर द बेस्ट प्रिंसिपल्स इन द सिस्टम, बट नाउ यू हैव टू बी द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ दैट स्ट्रीम दैट इज बीइंग गिवन टू यू, और उसके लिए अब आपको अपने आप को बहुत मोल्ड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पहले तो उसको आपको कंसीव करना पड़ेगा कि नाउ आई एम द स्टेम प्रिंसिपल, यू आर नॉट द बेस्ट प्रिंसिपल, यू हैव टू बी द बेस्ट स्टेम प्रिंसिपल, यू हैव टू बी बेस्ट 21st सेंचुरी प्रिंसिपल। क्या हो रहा है दुनिया में 21st सेंचुरी स्किल्स, क्यों हमने 21st सेंचुरी स्किल बोला है? डेटा एनालिटिक्स से सब पढ़ा रहे हैं, और अगर हम स्कूल ऑफ एक्सलेंस में डेटा एनालिटिक्स पढ़ाने की बात कर रहे हैं और 21st सेंचुरी स्किल जानबूझ के नाम दे रहे हैं तो कुछ कारण है। आपकी स्कूल के एमबीएस में 21st सेंचुरी स्किल घूमना चाहिए, आपके हर एक टीचर की जबान पर यह सब शब्द आ जाने चाहिए, वो वातावरण बनाना। तो एसओएससी अपने आप में एक डिफाइंड नाम है, अब वो स्पेशलाइजेशन आपको आपका पता है, आपके पूरे स्कूल का, आपकी लैब्स का, लाइब्रेरीज का, एम्बियंस का, सपनों का, सब कुछ स्पेशलाइज में वही होना। 2-3-4 साल में ये माहौल हो जाना चाहिए कि यहाँ के बच्चे सीधे मतलब आईआईटी, आईएम और हार्वर्ड से नीचे का तो सपना ना देखें। तो पहला तो ये है, अगर आप इंडिकेटर्स पे जाओगे तो आप सबने जो डिफाइन किए मैं उससे बड़ा इंडिकेटर दूँ, जैसे स्कूल ऑफ परफॉर्मेंस वाला बच्चा है, परफॉर्मेंस विजुअल आर्ट का, यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कले की बात करेंगे, पर वो आपको एमबीएस में लाना पड़ेगा, घर से नहीं मिलेगा, पर आपका स्कूल उस लेवल पर। दूसरा, इस देश में कहीं भी किसी भी शहर में किसी भी गांव में बैठा हुआ परिवार, बड़ा ड्रीम दे रहा हूँ ये, छोटा मत छोड़िए, छोटे शब्दों में मत रखिए, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पूरे देश के ड्रीम स्कूल्स बने, देश में केरल से लेके कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बैठी हुई फैमिलीज के अंदर ये ड्रीम होगा कि हमें अपना बच्चा अगर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में पढ़ाने को मिल जाए तो मज़ा आए, ये ड्रीम करता है। ये रिफॉर्म विफॉर्म छोटी चीज़ें थी, रिफॉर्म तो कर लिए हमने 2015 में, अब हम रिफॉर्म नहीं कर रहे। आपको याद होगा विज्ञान भवन में एक बार मिले थे, सौम्या डायरेक्टर थी, तो 90% रिजल्ट पे थे, मैंने कहा अगली बार कितना लाओगे, आप लोगों ने बोला 92-93 में 95 ले आओ बस, आप लोग 96 ले आए, मतलब जितना एजुकेशन एम्बिशियस एजुकेशन मिनिस्टर नहीं सोच पा रहा था उससे ज्यादा एम्बिशियस प्रिंसिपल्स ने करके दिखा दिया। व्हाट एल्स वी नीड, रिफॉर्म्स, बिल्डिंग अच्छी हो गई, रिजल्ट अच्छा आने लगा, आपके बच्चे कॉम्पिटिशन में जाने लगा, और क्या चाहिए रिफॉर्म में? अब तो क्वालिटी के नए बेंचमार्क सेट करना है, क्वालिटी का नया ड्रीम सेट करना है, ये स्कूल इसलिए बनाना है, पूरे देश के ड्रीम डेस्टिनेशन होना चाहिए। साइंस पढ़ने वाले बच्चों को लगता है ना मेरा बच्चा आईटी चला जाए, लगता है कि नहीं? मैनेजमेंट वालों को लगता है मेरा बच्चा आईएम चला जाए, लॉ वालों को लगता है एनएलयू चला जाए, किसी को एमबीए, किसी को कुछ 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 लगता है। तो वैसे अगर किसी को अपने बच्चे को पढ़ाने के लेके कोई ड्रीम है और थोड़ा वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है तो उसके सपने में हमारे स्कूल होने चाहिए।